हेलो गुड मॉर्निंग, कैसा आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो भाई साहब, आज दोबारा से वीडियो की शुरुआत हो रही है गांव से, क्योंकि मैं गांव आ चुका हूं। और मतलब कल मैं गांव आया था, कल मैंने आने का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरा कल बैंक में काम था। उसके बाद मैंने सोचा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। आज से वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं श्रीनगर में मुझे डेली व्लॉग स्टार्ट करने पड़ेंगे, अगर व्लॉग स्टार्ट नहीं करें तो वरना दिक्कत हो जाएगी। और अभी मैं मतलब थोड़ी देर पहले उठा हूं, थोड़ा सफाई वगैरह की है, आंगन वगैरह में सफाई करी है, और अब जस्ट नहाने की तैयारी कर रहा हूं। देख सकते हैं मैं अपना ब्रश और ये शैम्पू। यार शैम्पू नहीं देख दिखाऊंगा कौन सा वाला यूज़ करूँ, क्योंकि यहाँ पे यही वाला है तो यही यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि देख सकते हैं मैंने कल में ही बाल कटाए हैं, ये देख सकते हैं ये ड्रायर की वजह से खड़े बाल हैं, नहीं तो मेरे बाल खड़े नहीं रहते, मेरे बाल नीचे रहते हैं। तो कल ड्रायर मरवाया था ना, इस वजह से बाल खड़े हैं। तो अभी अपने कपड़े निकालता हूं। मैं कपड़े ज़्यादा लाया नहीं हूं, यही सब कपड़े लेके आए बस इतने से, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द वापस जाना है श्रीनगर, इसलिए मैं यहाँ पर कपड़े नहीं लाया। और यहाँ पर देख सकते हैं ये दादी ने पता नहीं क्या बिछा रखा है, ये क्या बोले, ये तो दीवार पे लगता है, दादी ने वहाँ पे बिछा दिया। और अभी मैं सो के उठा तो मैंने बिस्तर वगैरह भी सब सेट कर दिए, और अभी नहाता हूँ और मिलता हूँ आपको नहाने के बाद सीधा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ भाई खाकरा। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। भाई अभी अपना स्नान भी हो चुका है मस्त मार के, मतलब एकदम मैं नहा भी चुका हूँ, और अब मैं पूजा करता हूँ और मिलता हूँ आपको पूजा करने के बाद, क्योंकि मैं अब निकलता हूँ भाई खाकरा के लिए फट से, क्योंकि फिर मेरे को जल्दी वापस भी आना है। और अभी नहा धो के एकदम सा फ्रेश सा फील हो रहा है, और मुझे ना अपने बाल में अभी सामने शीशे में देख रहा हूँ यार कैसे लग रहे हैं बाल, पहले मतलब कैसे थे आप कैसे हो गए देख सकते हैं, हम सामने शीशे में देख रहा हूँ ना मैं पहले मेरे बाल भाई कैसे थे आप कैसे हो गए ड्रायर के बाद। यही होता है ना, एक दिन कैसे देख लिए बाल और अगले दिन से वापस से नीचे, तो बहुत अजीब लगता है। तो फटाफट अभी मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि मेरे बाल तो ऐसे ही रहने वाले हैं अब हमेशा, ये तो खाली ड्रायर की वजह से हो गए थे। तो पूजा करता हूँ, मिलता हूँ आपको पूजा करने के बाद। भाई मैं यहाँ पे घर से निकल चुका हूँ, और मैंने यार गलती कर दी, ट्राईपॉड का स्टैंड नहीं लगाया मैंने, वो घर पे छोड़ दिया, गलती। और तो भाई मैं घर से निकल चुका हूँ, दादाजी धारा पे बैठे हैं, मुझे लगा दादाजी पता नहीं कहाँ गए, मैं घर पे इंतजार कर रहा हूँ और वो धारा निकल गए मुझसे पहले। तो अभी फटाफट धारा चलते हैं और वहाँ से दादाजी से पूछते हैं कि क्या क्या लाना है, और फिर उसको खाकरा से ले आऊँगा। बैग ले आया मैं, क्योंकि यार मुझे मेरे बस की नहीं है हाथ पे, बैग में मैं कितना भी लोड ले आऊँ सैतूत, बट हाथ में मेरे बस की नहीं है। देख सकते हैं मीठे मीठे सैतूत लगे यहाँ पे, अब तो ये सूख चुके हैं। क्योंकि अभी भाई मैं निकल चुका हूँ खाकरा के लिए, और मैं भाई इतने टाइम बाद फ्रंट कैमरे से व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना किसी का व्लॉग देखा था जो कि फ्रंट कैमरे से व्लॉग बना रहा था। तो यार फ़ोन में वाइड एंगल होने के बावजूद भी फ्रंट कैमरे से कौन व्लॉग बनाता है, मेरी आवाज़ आ रही है क्या जोर से? तो क्या बोलते हैं, मैंने भी सोचा यार एक बार फ्रंट कैमरा, यार कितना शेक हो रहा है कैमरा, क्योंकि ट्राईपॉड नहीं है ना इसलिए। तो अभी क्या बोलते हैं, मैं निकल चुका हूँ खाकरा के लिए, आपको सीधा खाकरा मिलता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ से गाने सुनते जाऊँगा, क्योंकि एक डेढ़ दो किलोमीटर का रास्ता है, तो फिर क्या रास्ते भर व्लॉग बनाऊँगा ना, क्योंकि अभी तो दिन भर का व्लॉग बनाना है। तो जब व्लॉग बनाने की शुरुआत कर ही दिया तो बढ़िया सा व्लॉग बनाऊँगा, क्यों ये रास्ते भर का व्लॉग, मैं तो सोच रहा हूँ खाकरा में व्लॉग नहीं बनाऊँ, कुछ है नहीं वहाँ पर दिखाने, क्या दिखाऊँगा, बस ये है कि भाई हाँ जी खाकरा पहुँच गया हूँ, ये ऐसे हो, ये बकवास भी नहीं करता हूँ, लोग स्किप करते हैं, ये मुझे अक्षत तरतुड़ी ने बताया था कि बकवास ना किया कर, लोग व्लॉग स्किप करते हैं, ऐसे में मेरा ही नुकसान है ना। तो फिर बाद में मिलते हैं आपको सीधा। तो अभी भाई मैं यहाँ पे खाकरा पे पहुँच चुका हूँ, और मैं साला इतना जल्दी आ गया, अभी तो दुकान ही नहीं खुली, वहाँ पर देख सकते अभी दुकान बंद है। और अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इस चीज़ को देख के खुशी भी होती है गुस्सा भी आता है, देख सकते ये हमारे स्कूल की बस है, पर ये अब आ रही है यहाँ पर जब मैंने 12th पास आउट कर लिया यार, तब आती जब मैं 4th-5th में था, तो मैं कभी कभी बीच में सैटरडे को गांव आया था। अब बाकी क्या फ़ायदा, अब तो हो गया स्कूल का साथ खत्म, ये देख सकते हैं आप रेनबो बोली स्कूल एक नंबर है ये, अब यहाँ पे आ गया यार क्या फ़ायदा आने का, अब हमें क्या फ़र्क पड़ेगा यार। छी पहले तक आती तो ये था कि यार जैसे सेकेंड सैटरडे होता था, सेकेंड सैटरडे संडे फ्राइडे की रात को गाँव आ जाओ, संडे सैटरडे संडे यहाँ पर रहो, और मंडे की सुबह स्कूल चले जाओ, बस अपनी छुट्टी भी नहीं होती और गाँव का गाँव हो जाता, बट क्या करें छोड़ो जो भी है। और अभी गधेरे में आप पानी देख सकते हैं थोड़ा बहुत मानिए, क्योंकि अब सूखा पड़ने का टाइम आ चुका है। और यार ये दुकान क्यों नहीं खुल रही है फटाफट, मैं फटाफट से घर निकलूं, क्या करूंगा मैं यहाँ खाकरा पे। और यही कुछ है भाई खाकरा मार्केट यहाँ पे शुरू होता है, ये थोड़ा बहुत है और ये यहाँ पे, और एक मोहल्ला खाकरे का आगे है थोड़ा सा आगे जाके, वहाँ पे भी सारे होटल वगैरह हैं, बाकी दुकान खुले तो फटाफट मैं अपना काम निपटाऊँ यार, और फटाफट निकलूँ यहाँ से, मुझे पसंद नहीं है ये जगह। खाकरा वाले देख रहे होंगे तो खैर कौन ही देखता है खाकरा से लोग, बट मुझे नहीं सच में नहीं पसंद ये जगह, ना यहाँ धूप आती ना कुछ, अभी वहाँ से तो सनराइज़ होने वाला है बस जस्ट, और उसके बाद ये दुकान खुलेगी 8 बजे। तो अभी भाई यहाँ पे मेरा नाश्ता वगैरह भी हो चुका है, और मैं सोच रहा हूँ भाई कि कुछ काम कर लेता हूँ, क्योंकि बैठे बैठे करूँगा भैया वैसे, तो मैंने देख सकता हूँ यहाँ पे बहुत कचरा हो रखा था, मैंने साफ़ सफाई कर ली, झाड़ू मार दिया पूरा यहाँ पे, और अभी पेंट करा है तो घर एकदम चमक रहा है मस्त,
और तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कि जो ये थोड़ी बहुत टूट फूट हो रही है इसको रिपेयर कर लेता हूँ। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये पूरा टूट रहा है, फोकस नहीं रहा कैमरा, ये पूरा टूट रखा है, ये थोड़ा रिपेयर कर लूँगा, मुझे आता है रिपेयर करना, ऐसी बात नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा, और ये तो कुछ भी नहीं है, नीचे चौक की साइड तो बहुत कुछ टूट रखा है। अभी अगर होगा तो फिर इसे भी रिपेयर कर लूँगा मैं। तो अभी यहाँ पे भाई मैंने ये क्या बोलते हैं, ये क्या जो भी है इसको ले लिया है, इससे मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो अभी गौशाला चलता हूँ और वहाँ से जो मसाला है वो लेके आना पड़ेगा। सीमेंट तो घर पे पड़ा है बट जो रेत है वो वहाँ पे, तो वहाँ से लेके आऊँगा। फिर उसके बाद हमारा पूरा मतलब कम्प्लीट जो भी कंक्रीट है वो बनेगा। और यहाँ पे हमने भाई देख सकते हैं आप गेहूँ भी डाल रखे हैं सुखाने के लिए, और दादी को यहाँ पे भाई मैंने सेफ्टी के लिए बिठा दिया, क्योंकि आजकल गांव में एक अकेला बंदर घूम रहा है। बंदरों का झुंड इतना खतरनाक नहीं होता जितना वो अकेला बंदर होता है, वो बहुत आरामी होता है, बहुत तितर चीज़ होती है वो अकेला भाई सब पे भारी होता है। और मैं गौशाला से फट से सीमेंट लेके आता हूँ। अभी तक मैं मस्त मार के फ़ोन चला रहा था, अभी मैंने नाश्ता किया है जब मेरे को भूख लगी ढंग से एकदम, फिर उसके बाद नाश्ता किया और अभी तुरंत काम पे लग जाता हूँ, क्योंकि खाली बैठने से कुछ नहीं होने वाला यार, क्या करेंगे खाली। अबे भाई मैंने ये रेत निकाल लिया भाई, एक फल्ला, पहली बार अपनी ज़िंदगी में इतना रेता लेके जा रहा हूँ। कोई नहीं, पर ये भी कम पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे काम ज़्यादा है ना, मैं जो बाथरूम की स्लिप है वो भी ठीक करने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं सीधा घर पे और इसको बंद करता हूँ, क्योंकि ये मुझे बोक के ले जाना है, तो फ़ोन तो जेब में रखना पड़ेगा। यहाँ पे अपना मसाला बना रहा हूँ, देख सकते हैं आप इतनी कुछ रेत ले गए हैं, और इसमें सीमेंट मिलाते हैं, इसमें सीमेंट ले जाता हूँ पहले। तो अभी भाई यहाँ पे अपना मसाला भी बन चुका है, देख सकता हूँ भाई मेरी बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। मुझे नहीं पता इसका मिक्सर कैसे बनाना है, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं है, बस जस्ट ऐसे ही बना रहा हूँ। मतलब मैंने लगता तो मुझे है कि इसमें थोड़ा डार्क कलर आ जाना चाहिए, तब तक इसे मिलाना पड़ता है। मैंने काफ़ी मिला लिया इधर उधर, जैसे कि आपने टाइम लैप्स में देखा ही होगा। अब इसके बाद मसाला बनाऊंगा इस पे, क्योंकि इस पे बनाऊंगा तो पानी की खत होगी, पानी यहाँ आता है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे बनाऊंगा। तो इसको बनाते हैं फट से यहाँ पे। अभी भाई यहाँ पे दिन के लगभग 12:30 बज चुके हैं और यहाँ पे ताऊ जी लोग आ चुके हैं, तो मैं फिर वहाँ पे थोड़ा बिजी हो गया था, इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और अब जाके व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से, दिन के समय में व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ भाई पैने बांटने के लिए, पैने मतलब जब कोई कहीं से आता है, जैसे हमें ताई लोग अपने माई के साए, तो फिर वहाँ से जो भी वो मतलब एक कलियो टाइप का लेके आते हैं वो बांटना पड़ता है पूरे गाँव में। अब मैं पूरे गाँव में बांटने के लिए जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ आगे आगे कि भाई कैसा सब मतलब बोलना तो क्या पड़ता है बट सब पूछता है कि किस चीज़ का है क्या चीज़ का, सब दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे भाई हम आ चुके हैं पहले घर पे, जो कि है आदि का, और यहीं से हमारी बांधने की स्टार्टिंग होगी, तो साथ में वीडियो भी बनती रहेगी। मैंने वीडियो ऑन तो किया है, दादी बनना, और दादी देख सकते हैं आप यहाँ पे गेहूँ छान रही है। उजाला अब 2-3 दिन में भाई पहला घर कंप्लीट हो चुका है, और अब आ गया मैं दूसरे घर की ओर। ताई ये मेरी ताई आई ना माई के सपने। अभी भाई दूसरा घर भी कंप्लीट हो चुका है, और तीसरा घर तो देख सकते हैं आप, दीप्पू लोगों का घर बन रहा है वहाँ पे। दीप्पू लोग हमारे मोहल्ले से दूर जाने वाले हैं, उनका घर बनने वाला है ना यहाँ पे, मस्त है एकदम। यार मुझे बहुत दिक्कत हो रही है एक हाथ से व्लॉग बनाने में ना, नाक से ही सब फोकस वगैरह चेंज करना पड़ रहा है। और अब पहुँच चुका भाई बब्बू के घर पे, और अब यहाँ पे तो सब लोग भारी पे बैठे हैं। आप लोग बिजली बचा रहे हो छाँव में बैठ के? ताई प्रणाम है, नहीं हाँ वीडियो बना रहा हूँ। वो ताई लोग जा रखे थे ऊपर बरसुड़ी, उसके है। हाँ आगे हाँ सब हाँ देख सकते हैं आप, ताई लोग सब छाँव में बैठे, और गेहूँ पक चुके हैं हमारे गाँव में। भले अलग बात है कि अभी हमारे नहीं हुए, जब हमारे होंगे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ना ताई। ये लो यहाँ पे आप देख सकते हैं ममता दीदी को, काम कर करके थक चुकी है ताई बनना। हाँ मैं माँ ना ताई,
मांग और ये सिर्फ रोटी रोट लेके आया, अरसे क्यों नहीं लाया भाई? ताई वीडियो अरसों के इंतजार में थे यार, ताई वीडियो देख रही है तो ताई ताई यहाँ अरसों की डिमांड हो रही है। ताई के पास दे दे मैंने। ओके ताई ये लो। तो अभी भाई मैं यहाँ से भी निकल चुका हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे बैठा रहूँगा तो फिर ये बांटूँगा कब, मैं फिर घाई घाई मैं सब भूल जाता हूँ, तो फटाफट ये बांट के आते हैं और फिर मिलते हैं आपको बांटने के बाद। अब यार सीधा इसको बांट ही लेता हूँ फिर बाद ही मिलूँगा। और बब्बू भाई टीवी देख रहा है। ओ बब्बू यहाँ पे शाम के 4 बज चुके हैं और मैं और गोलू जा रहे हैं भाई अभी धारा पानी भरने के लिए। पानी भरने के लिए तो ऐसे ही घूमने जा रहे हैं क्योंकि घर पे भी क्या करेंगे, घर पे गर्मी हो रही है और आज गोलू का डेब्यू हो रहा है मेरे व्लॉग में, पहली बार आ रहा है गोलू व्लॉग में क्योंकि ये अभी घर आए हैं और अभी जल्द से जल्द ये दिल्ली जाएंगे। फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैं दिल्ली गया था, मैंने वहाँ व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि लगा नहीं टाइम व्लॉग बनाने का वहाँ। तो मैं दिन के लिए आए थे तुम? हाँ मैं घूमने गया था तो मैंने व्लॉग बनाया नहीं। और यहाँ पे यार सहतूत सूख चुके हैं पेड़ों से, 1-2 बचे हैं। काफल लगते क्या यार? काफल यहाँ नहीं होते ये है ना। हाँ अरे इतना खाने वाले होंगे अभी है नहीं। हम यहाँ पे भाई धारा से भी आ चुके हैं और वहाँ पे कुछ था नहीं वीडियो बनाने के लिए तो मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो शूट भी नहीं किया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका था। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।